नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज आपको वीडियो बताते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर जब हमने फेसबुक बनाई थी तब से लेके आज तक ना जाने कितने एप्लीकेशंस में, कितने गेमिंग ऐप में और कहां कहां हमने फेसबुक का लॉगिन दिया हुआ था। ये सब आपको पता करना हो कि हमारे फेसबुक से कितनी चीज़ लॉगिन हैं, चल रही हैं, उन्हें कैसे हम हटा सकते हैं वहाँ से, उनका लॉगिन एक्सेस, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको चलना पड़ेगा फेसबुक पर। फेसबुक पर चलने के बाद जो है दोस्तों, आप यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं, इस थ्री डॉट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, और आपको यहाँ थ्री डॉट देखने नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि आपको यहाँ जो मेरी फ़ोटो मिल रही है राइट साइड में देखने के लिए, यहाँ आप जैसे ही टैप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने मल्टी प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं एक से ज़्यादा, इस कारण से ये यहाँ पर आप नीचे आएंगे दोस्तों। और यहाँ आने के बाद एक ऑप्शन दे रखा है सेटिंग इन प्राइवेसी का। सेटिंग इन प्राइवेसी में आपको जाना है सेटिंग्स में, और जैसे ही आप सेटिंग्स पर टैप करेंगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएँ, यहाँ पर लिखा है दोस्तों ऐप्स एंड वेबसाइट। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप सिक्योरिटी के अंदर, ऐप्स एंड वेबसाइट, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर पूरा डेटा आ जाएगा। देखिए, मैंने अभी Gaana.com को लॉगिन किया है, इससे एक्टिव है, तुरंत लिखा आ गया 13 सितंबर 2022 को ये यहाँ पर एक्सेस मैंने दिया है अपने फेसबुक का। इस तरीके से आप देखिए नीचे देख सकते हैं दोस्तों, 2015 के एप्लीकेशंस भी आज तक विद डेट यहाँ पर स्टोर हैं। आप सी मोर में जाएंगे तो आपको और ये देखने मिलेंगे कि कौन कौन से एप्लीकेशंस जो है हमने ये 2015 में चलाए थे। 19 में देखिए ये जो कुछ चीज़ें एक्सपायर हो गई हैं, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से एक्सपायर हो गई हैं। अब दोस्तों हम इन्हें हटाना चाहते हैं, तो कैसे हटा सकते हैं? मान लीजिए मैं ये एक महाभारत क्विज गेम हटाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये जो एरो दे रखा है एक्टिव के सामने, इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ रहा है रिमूव लॉग्ड इन विद फेसबुक। ये आप जैसे ही रिमूव करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा अलाउ फेसबुक टू नोटिफाई महाभारत क्विज। उस कंपनी को, ऐप को ये बता देगा कि आपका कनेक्शन यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। दे मे ऑफर यू अनदर वे टू लॉग इन। आप डिलीट कर सकते हैं सारी पोस्ट को, सारी टाइमलाइंस को, जो भी आपने इसके अकॉर्डिंग की थी, और रिमूव बटन पर आप यहाँ पर प्रेस कर दीजिए। देखिए जैसे ही आप करेंगे वो रिमूव हो चुका है। इस तरीके से आप जितने भी आपके लॉगिन्स जो फेसबुक पर दे रखे हैं, उनको यहाँ से आकर मैनेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और दोस्तों यही वो सारी चीज़ होती है जहाँ से फेसबुक का डेटा हैक हो सकता है, या कभी भी आपको कोई भी क्रेडेंशियल्स का लॉस हो सकता है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शौक में शुरू में कर लेते हैं, लेकिन हमें बाद में उसकी गंभीरता का अंदाज़ा नहीं होता है कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा रिस्की हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। तो आप इस प्रकार से एप्लीकेशन और वेबसाइट्स चेक कर सकते हैं कि फेसबुक के मदद से आपने कितने एप्लीकेशंस को लॉगिन कर रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।